सो गाइस ये कोला बीच का मेन एंट्रेंस है। बाइक पार्क करने के बाद, बाइक या स्कूटी जिससे भी आप आए हैं वो पार्क करने के बाद, आपको 5 मिनट पैदल चलना होगा और इस तरह सीढ़ियों से नीचे उतरते आप पहुंच जाएंगे कोला बीच के मेन एंट्रेंस पे। सो यहाँ पे नीचे उतरते हुए आपको जाना होगा कोला बीच की ओर। गाइस कोला बीच की ये बहुत ही ज़्यादा फेमस बीच है साउथ गोवा का, बिकॉज यहाँ पे आपका कायाकिंग होता है। कायाकिंग यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप कायाकिंग कर रहे हैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पैलोलम बीच पे कायाकिंग ना करके कोला बीच पे आके कायाकिंग करें। अच्छा, कायाकिंग में साइड लेके जाने का ना, कायाकिंग एंड नज़ारे आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा मिलेगा आपको यहाँ पे। आप फोटो शूट कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आराम से आके कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। सो आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कायाकिंग कर रहे हैं तो कोला बीच पे आके करें। सो गाइस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस फाइनली मैं कोला बीच पर हूँ एंड अभी मैं यहाँ पे कायाकिंग कर रहा हूँ। कायाकिंग के लिए ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सो ये आप देख सकते हैं, जैसे 200 रुपीज़ चार्ज है, आपसे 300 रुपये मांगेंगे तो आप ठगिएगा मत, 200 रुपीज़ ही चार्ज है। यहाँ पर आराम से आप कायाकिंग कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पे। शाम के टाइम पे कायाकिंग करने का अलग ही मज़ा आएगा इस, तो अगर आप कायाकिंग कर रहे हैं इस साइड आप आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि शाम के टाइम पे आएँ, वरना इवनिंग में, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग इन दोनों साइड आप कायाकिंग इसमें कर सकते हैं आराम से। गाइस अगर आप कायाकिंग कर रहे हैं तो मॉर्निंग का टाइम एंड इवनिंग का टाइम, ये दो बेस्ट टाइम है कायाकिंग करने का, बिकॉज मॉर्निंग के टाइम पे एंड इवनिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन हो जाते हैं यहाँ पे। दोपहर में आपको थोड़ी गर्मी महसूस होगी, तो अगर कायाकिंग कर रहे हैं तो मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पे ही आएँ। दोपहर के टाइम पे इससे आपको खाली मिलेगा एंड मैं दोपहर में गया था तो इस तरह मुझे खाली मिला था, तो फोटो शूट और रील्स आप आराम से बना सकते हैं। इस तरह कायाकिंग करते वक्त भी आप रील्स बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं सुंदर सुंदर। पानी इतना ज़्यादा साफ होगा कि आपको पानी के अंदर जो पत्थर होंगे वो दिखाई देंगे, दोनों साइड नारियल के पेड़ होंगे। इस तरह कायाकिंग का मज़ा कर ले सकते हैं एंड साथ ही साथ बीच का भी मज़ा ले सकते हैं। बीच साइड देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सीन है, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। सो फोटो शूट वगैरह भी आप आराम से कर सकते हैं एंड ये कायाकिंग करते हुए, कायाकिंग का मज़ा लेते हुए, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। ओनली 200 रुपीज़ में गए, सबसे सस्ता।